आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर में शर्मनाक वारदात, दुष्कर्म से बचने सड़क पर आतंक दौड़ी शिक्षिका। कानपुर से बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां बर्रा थाना क्षेत्र में एक युवक ने सहेली से बात कराने के बहाने घर लाकर शिक्षिका से दुष्कर्म का प्रयास किया। उससे बचने को शिक्षिका अर्धनग्न हालत में सड़क पर दौड़ पड़ी। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक युवक ट्यूशन पढ़ाने निकली शिक्षिका को उसकी सहेली से बात कराने के बहाने अपने घर ले गया, जहां जबरन शराब पिलाने का प्रयास किया, मना करने पर दुष्कर्म का प्रयास किया, युवती के विरोध करने पर मारपीट कर उसका मोबाइल तोड़ दिया। अर्धनग्न हालत में घर से भागकर पीड़िता ने अपनी लाज बचाई। मूल रूप से औरैया के रहने वाली शिक्षिका दामोदर नगर में किराए पर कमरा लेकर भाई के यहाँ साथ रहती है। शिक्षिका के मुताबिक मंगलवार शाम करीब 6:30 पर वो घर से कुछ दूरी पर रहने वाले बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने गई थी, तभी ये हादसा हुआ है। कल दिनांक 5/11/24 को बर्रा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता उम्र 21 वर्ष द्वारा थाना बर्रा पर लिखित तहरीर दिया गया कि मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी कि रास्ते में स्कूटी से वैभव वर्मा मिला, जो जबरदस्ती अपने स्कूटी पर बैठा लिया और अपने घर ले जाकर मुझसे बदतमीजी करने लगा। मैं उसका विरोध की, जिस पर वैभव वर्मा ने मेरी मोबाइल छीनकर भाग गया। मैं किसी तरह घर के बाहर आई और अपने भाई को फ़ोन कर के मौके पर बुलाई। मेरा भाई आया, मैं उसके साथ थाना बर्रा पर आकर लिखित सूचना दे रहे हूँ। लिखित तहरीर के आधार पर थाना बर्रा में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त वैभव वर्मा की गिरफ्तारी हेतु 2 टीम बनाई गई है, जो गिरफ्तारी हेतु रवाना है। अभियुक्त को जल्द ही गिरफ्तार कर विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।